नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी जेल में एचआईवी पॉजिटिव 44 कैदियों की देखरेख और उनके उपचार को लेकर दायर जनहित याचिका राज्य सरकार, सचिव समाज कल्याण व सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित आईजी जेल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने एचआईवी संक्रमित कैदियों को अलग से रखने व विशेष निगरानी के देखरेख के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, कोर्ट ने आईजी जेल से ये पूछा है कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है, इसे गंभीरता से ले। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि नैनीताल जिले की हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है। समाधान संस्था का ये भी कहना है कि इन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाए और इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, ताकि दूसरे कैदियों को कोई परेशानी ना हो। याचिका में ये भी कहा गया है कि कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले उनकी एचआईवी की जांच की जाए, जिससे कि अन्य कैदियों में संक्रमण न फैले और जेल में ड्रग्स की सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। बताते चले सबसे अहम बात, कोर्ट ने आईजी जेल से पूछा है कि जेल में आखिर ड्रग्स की सप्लाई हो कहां से रही है, इसकी जांच गंभीरता से ले। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड की हल्द्वानी जेल में बंद 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद इसकी खबर लगते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुशीला तिवारी अस्पताल के एआरटी सेंटर प्रभारी डॉक्टर परमजीत सिंह का कहना था कि हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी से पॉजिटिव पाए गए हैं और एक महिला कैदी भी एचआईवी संक्रमित मिली है, जिसके बाद कैदियों की लगातार जांच की जा रही है और संक्रमित कैदियों को अलग से रखकर देखभाल की जा रही है। और अब इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है और इस मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।